नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरीथिंग विद यू और मैं हूं हिमांशु। क्या आपने ये जो वीडियो है इस पे इस उड़ते हुए इमेज को देख के क्लिक किया, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और मैं आपको इस इमेज के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, आपको लग रहा होगा कि इस इमेज में मैं हवा में उड़ रहा हूं, बट अगर मैं आपको कहूँ कि ये इमेज जो है मैंने इस इमेज से बनाई है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये रही असली इमेज, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं कि मैं अभी एक स्टूल पे खड़ा हूँ। स्टूल नहीं, बेसिकली एक सोफा है और एक मैंने नीचे ग्रीन कलर का पर्दा रखा है। तो मैंने इस इमेज से इस इमेज को कैसे बनाया, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। फ्रेंड, मैंने 3-4 इमेज को लेकर एक के ऊपर एक ओवरले कर दिया और सारी इमेज एक ही टाइम पे ली गई थी। कुछ इमेज में मैं था, कुछ में मैं नहीं था, कुछ में बैकग्राउंड था। अब मैं बस इसको हिस्ट्री ब्रश पे मिटाने वाला हूँ और देखिए कैसे इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि अभी मैं उड़ रहा हूँ, इसे बस मुझे ध्यान से करना है, अपने शेडो को हटा देना है, तो मेरी इमेज पूरी हो जाएगी। फ्रेंड, अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज पे एडिटिंग होने के बाद ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, बट जो फाइनल इमेज है वो अभी भी काफ़ी अंतर है में और उस इमेज में। इस इमेज में आप देख सकते हैं ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, साथ ही ये जो इमेज है काफ़ी स्ट्रेट है, जबकि ये इमेज टेढ़ी ली गई है। तो इसे मैं विंडोज 10 के नॉर्मल एडिटिंग मेथड से थोड़ा एनहेंस कर दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा इसको क्रॉप कर दूंगा इमेज को, और जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उसको हटा दूंगा। अब क्रॉप करने के बाद इसके बाद इसमें मैं जाऊँगा और इसमें बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट है, जैसे कि अब इसमें हम सिलेक्टिव फोकस रहता है वो लगा सकते हैं। इसका काफ़ी फ़ायदा भी होता है, बिकॉज सिलेक्टिव फोकस में ऐसा लगेगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे फिल्टर में जाना है और मुझे थोड़े बहुत कलर और सिलेक्ट कर लेने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो फाइनल इमेज है वो पहली वाली इमेज की तरह लग रही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही ये चैनल जो एवरीथिंग विथ यू है, इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस लाता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फैक्ट रिलेटेड वीडियोस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हम आइडिया शेयर करें। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और ये सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।